स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी थिंग्स में। और आज हम करने वाले हैं सैनिक कास्ट के सभी प्रॉब्लम का सलूशन। ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम आता है कि वीडियो इसमें अटक अटक के चलता है और ये रिफ्रेश नहीं होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं इसके, तो आज हम इसी का सलूशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा टीवी को कनेक्ट, उसके लिए हमें इसके लीड वायर को जोड़ना पड़ेगा इन तीनों प्लग से, फिर इसको जोड़ेंगे हम इससे और ये जाएगा बोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लगाना होगा इसके लीड वायर को, तो डालते हैं लाल को लाल में, येलो को येलो में और वाइट को वाइट में। अब ये हो चुका है कंप्लीट, तो अब इस एनी कास्ट को हम डालेंगे यहाँ पर HDMI डोंगल पे और यहाँ पे जाएगा ये इसका प्लग। तो हमने इसको लगा दिया और ये जो है ये एनी कास्ट कनेक्टेड है यहाँ से एडाप्टर से और ये एडाप्टर जाएगा बोर्ड में। तो गाइस सबसे पहले हम इस टीवी के प्लग को लगा देते हैं बोर्ड में। इसके बाद हमारे पास है ये जो हमने चार्जर का एडाप्टर लिया हुआ है, इसको भी हम डालेंगे बोर्ड में। देख सकते हैं गाइस हमने डाल दिया इसको। ये है इसका वाईफाई, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका क्या उपयोग होता है। तो अब जल्दी से करते हैं प्लग ऑन। तो अभी हो रहा है हमारा टीवी चालू, थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो गाइस हो चुका है हमारा टीवी चालू, तो अब इसको करते हैं हम लोग मोबाइल से कनेक्ट। वीडियो बनाने के कारण थोड़ा सा टीवी ऐसे ही आ रहा है तो इसको इग्नोर करते हैं। तो आप आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे, इसका पासवर्ड जल्दी से खोल लेते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्क्रीन कास्ट वाले ऑप्शन में जो कि दिया है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं होगा तो आप सेटिंग में जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप सर्च करेंगे सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे कास्ट, तो गाइस देख सकते हैं ऊपर में आ चुका है। तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है, यहाँ से कास्ट वाले ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। टर्न ऑन का ऑप्शन हो रहा है, इसे अलाउ कर देना है। यहाँ कनेक्ट हो रहा है और देख सकते हैं हमारा एनी कास्ट का जो है वो आ चुका है। हम लोग को क्लिक कर देना है, प्रोसेस हो रहा है टीवी से। तो गाइस हमारा टीवी जो है हो चुका है कनेक्ट, देख सकते हैं आप लोग मोबाइल स्क्रीन है हमारा। इसको हम लोग पुल बैक करते हैं तो उसमें ही बैक हुआ। और जो एनी कास्ट का प्रॉब्लम आता है कि स्क्रीन अटकता है, ये देखिए गाइस इसमें सिंपली चल रहा है, जो इसमें चल रहा है वो भी इसमें चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो प्रॉब्लम रहता है अटकने का वो क्या रहता है, ब्लूटूथ आपका ऑन रहता है, आपको ब्लूटूथ को ऑफ कर देना है। अगर ब्लूटूथ आपका ऑन रहेगा तो टीवी में जो स्क्रीन जो है लैग करेगा, और ब्लूटूथ बंद रहेगा तो अच्छे से चलेगा। जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ बंद है तो देख सकते हैं आप लोग ये अच्छे से चल रहा है, कोई लैग नहीं कर रहा है। अगर यूट्यूब पर खोल कर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए गाइस कुछ लैग नहीं कर रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है स्क्रीन, देख सकते हैं आप लोग। तो आपको जस्ट सिंपली यही करना है कि अब जब कनेक्ट करेंगे टीवी को तो आपका ये जो ब्लूटूथ वाला ऑप्शन है ये ऑन नहीं रहना चाहिए, हमेशा ऑफ रहना चाहिए। इसको ऑन रखेंगे तो स्क्रीन जो है लैग करने लग जाए, देख सकते हैं आप लोग। इसको ऑफ कर देना आपको। और जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो क्या है, हम बहुत टाइम से कनेक्ट करके रखे रहते हैं तो उसमें जो है कि डेटा उसमें चल जाता है, बहुत सारा स्टोर हो जाता है, तो उसके लिए आपको इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो सिंपली आपको ये जो बटन दिया है नीचे में, इसको आपको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, तो ये जो है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। जब ऑन करेंगे तो इसको 10 सेकंड के लिए
प्रेस करके रखना है जिससे कि ये जो है रिफ्रेश हो जाएगा, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर से डेमो दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं अनलॉक हो गया हमारा मोबाइल। तो ये है गाइस, अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ जैसे कि ये ऑन होगा तो ये जो है कि स्क्रीन काम नहीं कर गया। देखिए अब ब्लूटूथ ऑन है मेरे मोबाइल का, तो जो लैग कर रहा है इधर देखिए, कुछ भी चला रहा हूँ बहुत अटक अटक के चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अगर आप इसको बंद कर दीजिएगा ब्लूटूथ को, तो ये जो है स्मूथ चलेगा। ये देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही इसमें, अब चल रही है स्क्रीन अच्छे से। यूट्यूब भी खोल के दिखा देता हूँ फिर से मैं आपको। देखिए इसमें भी यूट्यूब ओपन हो चुका है, उसमें भी कोई आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं जा रही है, कोई लैग नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो गाइस बस यही है, अगर आपका ब्लूटूथ ऑन होगा मोबाइल का तो ये जो है कि लैग करेगा, और नहीं होगा तो ऐसे ही स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग की ये जो है, इसको आप ऑन करने से पहले, मतलब ऑन करने के बाद इसको 10 सेकंड के लिए ऐसे दबा कर रखिएगा जिससे कि ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।